अब्दुल करीम तेलगी नाम के एक आदमी के साथ। तेलगी के पिता रेलवेज में काम करते थे और जब तेलगी की उम्र 7-8 साल की थी तभी उनके पिता की डेथ हो गई। उसके बाद उनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशंस बेहद खराब हो गईं, इतनी खराब कि तेलगी और उसके दोनों भाइयों ने कर्नाटक के खानापुर रेलवे स्टेशन पर फल और सब्जी का ठेला लगा दिया। इसी से उनके घर की रोजी रोटी चलती थी। लेकिन इन सब के बीच तेलगी ने बड़ी मेहनत करके पढ़ाई की और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। जॉब ढूंढने के लिए तेलगी कर्नाटक का अपना छोटा सा शहर छोड़कर सपनों की माया नगरी मुंबई में आ गया। मुंबई जाते ही तेलगी की सेल्स के रोल में जॉब लग गई, मगर खराब परफॉर्मेंस की वजह से तेलगी को उस जॉब से निकाल दिया गया। इसके बाद उसे एक बड़े से गेस्ट हाउस में मैनेजर की जॉब मिल गई। उस गेस्ट हाउस की शान और शौकत देखकर तेलगी के मन में अब ढेर सारा पैसा कमाने की चाह उठने लगी थी। उसे पता चला कि सऊदी अरेबिया जाकर लोग खूब पैसा कमा रहे हैं, इसलिए वो 1986 में सऊदी अरेबिया चला गया। वहां जाकर भी तेलगी ने कई सारी जॉब्स की, मगर वो बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उन सब जगहों से निकाल दिया जाता था। लेकिन इस दौरान वो कुछ ऐसे लोगों से मिला जो इंडिया से फेक यानी जाली डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट वीजा बनवाकर सऊदी अरेबिया आए थे। ये सब फेक डॉक्यूमेंट्स इंडिया के कुछ ट्रैवल एजेंट्स बनाते थे जिसके लिए वो लोगों से खूब सारे पैसे चार्ज किया करते थे। ये सुनकर तेलगी का दिमाग चल पड़ा, उसे ढेर सारे पैसे कमाने का शॉर्टकट मिल गया था। तेलगी मुंबई वापस आ गया और उसने अरेबियन मेट्रो ट्रैवल नाम की ट्रैवल एजेंसी शुरू कर दी। ये कंपनी उन लोगों की मदद करती थी जिनके पास सऊदी अरेबिया जाने के ना डॉक्यूमेंट्स होते थे और ना ही वो खुद जाने के लिए एलिजिबल होते थे। अब्दुल करीम तेलगी ने ऐसे लोगों के कागज की हेरा फेरी करनी शुरू कर दी जिससे उन्हें इमिग्रेशन क्लियरेंस मिल जाता। अब्दुल करीम ने उन लोगों के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने शुरू कर दिए और उसने कागजों की ऐसी हेरा फेरी की जिससे सभी लोगों को इमिग्रेशन क्लियरेंस मिल जाता था। कुछ सालों तक वो यही करता रहा और इसी के चलते उसने ढेर सारे पैसे भी कमा लिए। लेकिन 1991 में एक दिन कुछ इमिग्रेशन ऑफिसर्स को उसके इस इलीगल काम की भनक लग गई और उसे अरेस्ट कर लिया गया। वैसे तो अगर किसी को भी जेल हो जाती है तो वो अपनी गलती सुधार लेते हैं, पर अब तेलगी को पैसे का नशा हो गया था। उसे बस और पैसे कमाने थे, चाहे पैसे जैसे भी आए। और इसी बीच तेलगी को जेल में मिला रतन सोनी। रतन सोनी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डील्स करता था और उसी में एक फ्रॉड के केस में उसे अरेस्ट कर लिया गया था। रतन सोनी ने तेलगी से कहा कि क्राइम करना है तो बड़ा करो वरना मत करो। और फिर सोनी ने तेलगी को एक ऐसा आइडिया दिया जो आगे जाके इंडिया के लिए एक श्राप बन गया। रतन सोनी ने तेलगी को बताया कि गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर ऑफिस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता और इसलिए अगर वो नकली स्टैम्प पेपर बनाना शुरू कर देंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चल पाएगा। और तो और इंडिया में स्टैम्प पेपर काफी जगह यूज होता है, इसीलिए वो लोग इससे ढेर सारा पैसा भी कमा पाएंगे। सोनी ने तेलगी को समझाया कि स्टैम्प पेपर एक ऐसा लीगल पेपर है जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी होता है। मैरिज सर्टिफिकेट हो या घर दुकान या कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई नॉर्मल रेंट एग्रीमेंट या जॉब एग्रीमेंट ही हो, स्टैम्प पेपर के बिना इनमें से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कोई वैलिडिटी या मान्यता नहीं मिलती। पूरे देश भर में स्टैम्प पेपर यूज होते हैं। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर का मतलब होता है 100 रुपए। मतलब अगर कोई 100 रुपए का नकली स्टैम्प पेपर बेचता है तो वो उसके लिए 100 रुपए या उससे ज्यादा ले सकता है। इस केस में 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के जो 100 रुपए हैं वो असल में सरकार को मिलने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि ये नकली होंगे इसलिए सरकार को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जितनी भी अमाउंट के नकली स्टैम्प पेपर बिकेंगे उतनी ही अमाउंट की सरकार से चोरी होगी और उतना ही कम पैसा इकोनॉमी में आएगा। जेल से छूटते ही तेलगी और सोनी ने इस आइडिया पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले पॉलिटिशियंस के बीच, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच और अंडरवर्ल्ड के बीच अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। फिर जुगाड़ करके एक स्टैम्प पेपर बेचने का लाइसेंस लिया ताकि आने वाले टाइम में उन पर किसी को शक ना हो। नासिक में इंडियन गवर्नमेंट की इंडियन सिक्योरिटी प्रेस थी जहां स्टैम्प पेपर प्रिंट हुआ करते थे। जब वहां की मशीन जंक हो जाती थी यानी काम करना बंद कर देती थी तो उनका ऑक्शन यानी उनकी नीलामी कर दी जाती थी या फिर उन मशीन्स को भंगार में बेच दिया जाता था। तेलगी ने उन ऑक्शंस में जाकर मशीन्स खरीदना शुरू कर दिया। तेलगी ने इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के ऑफिसर्स को भी पैसे खिलाने शुरू कर दिए
उन ऑफिसर्स ने तेलगी को बता दिया कि वो मशीन कैसे रिपेयर होंगी। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा यूज की जाने वाली डाई, पेपर और प्रिंट कलर्स भी तेलगी ने उन ऑफिसर्स के थ्रू निकलवा लिए। अब गवर्नमेंट द्वारा प्रिंट किए जाने वाले स्टैम्प पेपर्स और तेलगी के प्रिंट किए हुए नकली स्टैम्प पेपर्स में फर्क बता पाना नामुमकिन सा हो गया था। आगे चलते हुए तेलगी और रतन सोनी में कुछ डिफरेंसेस होने लगे और इसलिए दोनों ने अपना रास्ता अलग अलग कर लिया। धीरे धीरे तेलगी अब स्टैम्प पेपर फ्रॉड को एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरह चला रहा था। उसने करीब 350 MBA करे हुए लोगों को एजेंट्स की तरह हायर किया और हर तरह के फेक स्टैम्प पेपर्स बेचने लगा। वो अपने स्टैम्प पेपर्स को डिस्काउंट में बेचने लगा था, इसलिए बहुत सारे बिजनेसेस डायरेक्टली तेलगी को अप्रोच करके उससे स्टैम्प पेपर्स खरीदने लगे। इसके बाद तेलगी का बिजनेस आसमान छूने लगा। उसका ये बिजनेस 18 स्टेट्स में फैल गया था और उसने लगभग 32,000 करोड़ के स्टैम्प पेपर्स बेच दिए थे, यानी सरकार से 32,000 करोड़ रुपए की चोरी। वो अपने कमाए हुए पैसों से अय्याशी करने लगा था। एक बार तो तेलगी ने मुंबई की एक बार में जाकर एक बार डांसर पर 93,93,00,000 रुपए उड़ा दिए थे। लेकिन साल 2000 में बैंगलोर पुलिस ने स्टैम्प पेपर से भरी एक ट्रक पकड़ी। पहले तो उन्हें लगा कि ये स्टैम्प पेपर्स चोरी किए हुए हैं, लेकिन जब सामने आया कि वो सारे स्टैम्प पेपर्स फेक हैं तो सब शॉक हो गए। इसलिए उन्होंने इस केस पर डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब्दुल करीम तेलगी का नाम सामने आया और पुलिस ने तेलगी का फोन टैप करना शुरू कर दिया। तब पुलिस को पता चला कि तेलगी ही इस पूरे केस का मास्टरमाइंड था और उन्होंने तेलगी को ढूंढना शुरू कर दिया। मगर तेलगी फरार हो गया और उसका मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तभी एक SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और पता चला कि तेलगी ये स्कैम 1994 से कर रहा था। टिप मिली कि तेलगी अजमेर शरीफ दरगाह जाने वाला है और तब SIT ने फाइनली उसे पकड़ लिया। तेलगी को अरेस्ट किया गया, लेकिन तेलगी से पूछताछ के दौरान एक SIT ऑफिसर का मर्डर हो गया, जिसके बाद ये केस CBI को ट्रांसफर किया गया। सामने आया कि तेलगी की इंडिया भर में 36 प्रॉपर्टीज थी और 120 बैंक अकाउंट्स थे और लगभग हर बैंक अकाउंट में करोड़ों का बैलेंस था। तेलगी से जब पूछा गया तो उसे खुद नहीं पता था कि उसके पास कितना पैसा है। गिल्टी पाने पर अब्दुल करीम तेलगी को 30 साल की सजा सुनाई गई और 202 करोड़ का फाइन लगाया गया। लेकिन अपनी सजा काटते काटते 2017 में उसकी डेथ हो गई। तेलगी के लॉयर ने कहा कि जेल के अंदर तेलगी का मर्डर कराया गया है, क्योंकि इस केस में कई ऐसे बड़े पॉलिटिशियंस के नाम जुड़े थे जिनके बाहर आने पर बहुत बवाल हो जाता और तेलगी उन सबको एक्सपोज करने वाला था। तेलगी कहता था कि वो इस गेम में बहुत छोटा प्लेयर था और कई इन्वॉल्व लोगों के नाम जानता था, मगर वो नाम कभी बाहर ही नहीं आ पाए।